नमस्कार, आज हम बात करेंगे RWS फेडरेशन संस्था की, जो समय समय पर सामाजिक कार्य करती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great co- अब विस्तार से दिल्ली RWS फेडरेशन शशि पब्लिक स्कूल में कैशलेस डिजिटलिटेशन पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संस्था के पद अधिकारी, बैंक अधिकारी, छात्र DM, SDM आदि जमाने व्यक्ति उपस्थित थे। पेशे दीपा की रिपोर्ट। फंक्शन क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या है, मैं आपको ले जाना चाहूँगा। पीछे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरे देश में ये महसूस किया गया कि आर्मी का विकल्प हमारे पास क्या है, जो देश की अंदरूनी व्यवस्था को मजबूत बनाकर रखे। तो विकल्प निकला कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो सिविलियंस के लिए हो, सिविलियंस के द्वारा हो और उन्हीं के काम आने वाली, उसका नामकरण किया गया सिविल डिफेंस। तो सिविल डिफेंस साथियों पूरे वर्ल्ड में, ये कोई एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है, और इसका जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड फोर्स ऑफ द कंट्री सिविल डिफेंस माने जाते हैं। इसमें जितने भी सिविलियंस हैं उनको विधिवत भर्ती किया जाता है, उसका एक बाकायदा रूल रेगुलेशंस है, और भर्ती करने के बाद उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे कंट्री में, हमारे देश में, इंडिया में ये मिनिस्ट्री होम के अंडर कार्य करती है, और इसका जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल है, जो हमारा NDRF, फायर और सिविल डिफेंस को देखती है। इसी तरह से पूरे स्टेट में इसके डायरेक्टरेट होते हैं, जो IAS या ITS होते हैं। फिर भी हमारा जो हम ओमेस्ट्री का जो DG है वो आज तक IAS, ITS 1982 तक इसका जो संचालन है वो आर्मी जॉब में रहा। उसके बाद दिसंबर 2010 तक इसका जो कमांड है वो ITS जॉब में रहा, और जनवरी 2011 से आज तक इसको IAS देखा। इसके अंदर हमारी 12 सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका हेडक्वार्टर सर्विस, ट्रेनिंग सर्विस,
आपका वाटर सर्विस, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मीडिया बैंकिंग, ई वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग, कैशलेस डिजिटलाइजेशन स्कीम के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि हम कैसे इस समय जिसके के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये पूरे भारतवर्ष में गुड़िया उठाया है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैशलेस में कैसे जा सकते हैं। तो हमारे बीच माननीय एसडीएम साहब भी हैं, एसडीएम शारदा श्री राजवीर सिंह जी भी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच बैंक के ऑफिसर्स भी, स्टेट बैंक के और कई बैंकों के ऑफिसर्स खुद यहां मौजूद हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले दिल्ली आरडब्ल्यूएस फेडरेशन की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, सबसे पहले एडवोकेट डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि मैं निवेदन करूंगा कि आपके बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है, उनके का सहयोग चाहिए। मोदी मैडम उनसे भी निवेदन है, डीएम साहब के पास निवेदन करूंगा जिसे कि आप मैं चाहूंगा डॉक्टर सुंदर भाई आए और एक डीएम साहब अभी बातचीत होगी और जो हमारे अतिथि आए हुए और आरडब्ल्यूए के जितने भी मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के, स्कूल विंग के राणा जी, विरम त्यागी जी, गौड़ साहब और सभी लोगों से मेरा परिचय है यहाँ स्पॉट पब्लिक स्कूल से, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल से। और सेंट मार्क स्कूल से, दीप पब्लिक स्कूल से, ओनार पब्लिक स्कूल के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस फेडरेशन ने जब से आदरणीय गुप्ता जी के तत्वाधान में ये कार्य शुरू हुआ था आरडब्ल्यूए फेडरेशन का, मैं समझता हूँ कि जितनी इस संस्था ने पूरे जमुना पार में कार्यक्रम किए हैं साथ ही किसी फेडरेशन ने, तो ये श्रेय जो अधिकारियों को बुलाने का है, आज छुट्टी का दिन है तो ये अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मैं सारा श्रेय धर्मवीर गुप्ता जी को और इसकी टीम को देना चाहूँगा। हर स्कूल में उससे दुविधा होती है, कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन धर्मवीर गुप्ता जी के आग्रह इतना होता है कि वो सारी समस्या एक तरफ हो जाती है और उनका प्रोग्राम एक तरफ। आज हम किस मकसद से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी जिसको कहा जा रहा है ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसका क्या हमें फायदा है और हमको किस तरीके से इसको अपने रोजमर्रा के लेन देन में कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, डिजिटल के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बैंकिंग कैसी हम चला सकते हैं, ये सारी बातें बैंक के अधिकारी और हमारे जो दूसरे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं वो यहाँ पर इन चीज़ों को बताएं। इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्तों कि आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आईटी का ज़माना है और इस ऐसे समय में हम बड़ा बड़ा कैश ले कर अगर कहीं जाते हैं तो हमारे जान को भी खतरा हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब जो हमको बताया जा रहा है और जो चल रहा है उसका अनुसरण करें और जो मुसीबत परेशानियाँ हमारे लोगों को, गरीब जनता को हो रही है उसका समाधान भी इसमें हूँ।
सर ये माने आपने पेटीएम सुना होगा सर, उसी के तहत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मोबाइल वॉलेट निकाला है जिसका नाम है बड़ी। मैं बहुत ही सर सिंपल भाषा और साधारण भाषा में सबको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि सब लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। सर ये हम लोग वॉलेट सर अपनी जेब में लिए घूमते हैं, सभी के पास होगा वॉलेट। वॉलेट के सर मैं नुकसान थोड़े से बता दूँ आप कि कोई भी सर वॉलेट जो है चोरी भी कर सकता है, किसी का पर्स मार जा सकता है, पैसा उसमें नकली भी हो सकता है पैसा, तो बहुत सारी दिक्कतें सर वॉलेट में हो सकती हैं। ये जो मोबाइल वॉलेट सर यूज़ ये शुरू किया है स्टेट बैंक में, इसमें ये सब चीज़ें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपका दुर्भाग्य है बहुत ही ज़्यादा मोबाइल भी आपका चोरी हो जाता है, तभी पैसा उसमें से नहीं जाएगा सर, पैसा उसी में रहेगा वॉलेट में। तो सर ये तो शुरुआत में थोड़ा सा ये था, मैं इसके सर फायदे में बताता हूँ। एंड्रॉयड सर स्मार्टफोन सभी लोग यूज़ करते हैं, उसमें आप एंड्रॉयड फ़ोन में डालेंगे स्टेट बैंक बड़ी, तो पहला ही ऐप खुल के आता है सर, ये जो आपके सामने दिख रहा है सर बड़ी, इसमें सर स्टेट बैंक बड़ी इसका नाम है। इसमें सर हम लोग पैसा किसी को भी भेज सकते हैं, अपने दोस्त को किसी से मंगा सकते हैं, अपने परिचित दोस्त यार किसी दुकान वाले को भी कहीं भी, और सर मंगा भी सकते हैं, अपने अकाउंट में भी डाल सकते हैं और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर पैसा। सबसे सर आजकल जो अभी डिमोनेटाइजेशन चल रहा है इसके तहत में सर आपने देखा कि हम लोगों को कैश की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी लाइनों में बैंकों में लाइनें लग रही हैं, बैंक वाले भी बहुत मतलब टायरलेसली काम कर रहे हैं सर 12-12, 14-14 घंटे आप लोगों की सेवाओं में, लेकिन फिर भी सर कैश क्योंकि कैश नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सर ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ चीज़ें प्रमोट करी हैं, उसी के तहत स्टेट बैंक ने अपने अपने प्रोडक्ट निकाले हैं। तो सर ये बड़ी जो है सर मेरे पास अभी कोई प्रेजेंटेशन तो है मतलब है आपको, मैं श्योर नहीं कर सकता, मैं आपको फोन पे सर बता सकता हूँ ऐसे कि आप अगर फ़ोन अपना निकालें उसमें एंड्रॉयड फ़ोन में सर लिखेंगे स्टेट बैंक बड़ी तो आपको ये ऐप दिखेगी सर, आप कर सकते हैं। अभी जिनके पास गूगल प्ले में जाकर के जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है वो अपना अगर करना चाहे तो इंस्टेंटली वो करते चले, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स सर। अगर किसी ने किया कि नहीं पता, वॉलेट डाउनलोड किया कोई पेटीएम, अच्छा पहले आपने डाउनलोड किया है कोई वैलेट, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई वैलेट डाउनलोड किया है इस तरह का? पेटीएम कौन कौन यूज करता है यहाँ? एनी बडी पेटीएम जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ खड़ा करें। जिस तरह से आपने पेटीएम को डाउनलोड किया है उसी तरह गूगल प्ले पर आप जा करके SBI बड़ी वहाँ लिखेंगे और वो ऐप हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। SBI बड़ी के लिए इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका खाता स्टेट बैंक में आवश्यक नहीं है। आपका खाता अगर कहीं भी है तो हमारा SBI बड़ी आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आपको जहाँ भी पैसा भेजना होगा उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर होना चाहिए, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है पैसा भेजने के लिए। मोबाइल वैलेट से आप 20,000 तक मनी अपने वॉलेट में रखें और उसको यूज करें। बस इसी के तहत एक पहला ड्रॉ निकलेगा, तो उसमें सर ड्रॉ की बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रॉ की तो लक की बात है, जिसका होगा उसको मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी आप कहीं भी पैसा भेज सकते हैं अपने सिंपल से फोन। तो सर वो भी अगर आप सर लिखना चाहे या ये करना चाहते हैं तो सर उसके लिए मैं स्टेप आपको सर बता सकता हूँ, ये मैं बता दूंगा सर। अगर आप साथ साथ करना चाहते हैं मेरे कर सकते हैं सर, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ड्रॉ करने के इसमें चांसेस नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है पूरा कैशलेस होने के लिए, सर हमको सरकार का साथ देना चाहिए। इसके बारे में सर मैं थोड़ा सा बताता हूँ सर, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि कैसे हम कैशलेस में इस कैश की अगर किसी को दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है बैंकों के साथ, उसको हम समाधान के लिए कैसे। तो अनिता पंडित जी, ठाकुर जी, सभी निवेदन हो गया है कि इन सबका स्वागत करें।
किरण जी, जय कुमार शर्मा जी, एसोसिएशन के अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और ऑफिसर और विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता, जैसे कि आपको जानकारी है कि जो आपका सीनियर गवर्नमेंट का जो आपका वो डिजिटल और वो कैशबैक जो नहीं है सबसे ज्यादा अगर बातें मारी तो चार्टर सर्टिफिकेट मारे, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत जगह कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमने वहाँ पर लोगों की जो फसल पास कैशल हुआ प्राप्त करते थे वहाँ पर हमने वहीं पर उनका जो है निवारण का शिकायत का समर्पण किया है। आप सबकी जानकारी के लिए क्योंकि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारे ऑफिसर यहाँ पर आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध की है। मैं इसमें एक और इजाफा करना चाहूँगा कि जैसे भाई साहब ने कहा था कि उनके पास आपका जो है एडवांस जो है फॉर्म नहीं, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्टार 99 हैश जो बना है वो बेसिकली उसी तरह के फॉर्म के लिए बना है जिसमें कि आपका मतलब जो स्मार्ट फॉर्म आपके पास अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए जिन लोगों के पास फॉर्म नहीं है वो भी जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसका जो सिस्टम है बेसिकली वो है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो जो है आपका बैंक के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से कनेक्टेड है तो आप बिना मतलब आप चाहे फॉर्म रखे हुए आप जो किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन उसको जो पूरा कर सकते हैं। ये केवल अवेयरनेस मतलब की जो जानकारी की बात है। हमारा जो मेन जो कर्तव्य वो यही है कि हम लोग आपको जो है अवेयर करने के लिए हम लोग मसित हुए हैं, आपको सेंसिटाइज करने की मतलब के लिए हम मसित हुए हैं। आपको किसी प्रकार से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ ये है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका एमपिन नंबर है, आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो डेटा बेस आपको जो है दूसरे लोगों से अपने छुपा के रखें। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी आप रखोगे मुझे लगता है कि हम लोग 100% इस सिस्टम को जो है सॉल्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए जो ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ये डिफरेंट जो अदर जो कंट्रीज हैं वो जो है इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। कैशलेस इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट की प्रमोट करना है। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिया है, इतना बड़ा स्टेप लिया है। हम लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं होगी और सबकी जो है बहुत स्ट्रांग ओपिनियन होगी। तो चाहे वो मीडिया हो चाहे इंडिविजुअल हो सब लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, सब लोग इसमें वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उसको आगे बढ़ रहे हैं और उसमें से अगर कुछ बेनिफिट निकलेगा तो तभी निकलेगा जबकि सब लोग उस पर हम लोग अपना प्रयास करेंगे। जो हो गया वो तो हुआ है, हो गया है, चाहे हम उस पर एग्री करें डिसएग्री करें वापस होने वाला है नहीं, गवर्नमेंट का स्टेप है और उसमें अच्छा समझ के किया गया है। कोई चीज़ अच्छी जो होती है अगर हम उसमें प्रयास अच्छा करें सब लोग तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि कई चीज़ें जो हैं हम कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो चीज़ें हो जाती हैं, भले ही वो होने वाली भी नहीं होती कितनी बार, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। डॉक्टर्स भी चीज़ों कहते हैं कि पेशेंट जो है, कई पेशेंट सोचते हैं मैं कहाँ ठीक होगा, वैसे बीमारी है ठीक नहीं होगी, एक दूसरे का ऐसा पता नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करती है, उससे चीज़ें हो जाती हैं। और इसमें इतना सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं रोज जो है नए कि बैंकों ने इतनी स्पीड से कभी काम नहीं किया होगा। जो पहले सरकार के जो फैसले आते थे भी हम सब देख ही रहे हैं कि ये चीज़ जो है अब सरकारी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें सरकारी डिपार्टमेंट में कैशलेस 31 दिसंबर तक करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। आपने कल टीवी पे देखा होगा 10 मेट्रो स्टेशन है वो कैशलेस हो जाएंगे। 31 मार्च तक कहते हैं कि जो राशन कार्ड है राशन की जो दुकानें हैं वो कैशलेस हो जाएंगी। इतनी स्पीड जो है पहले कभी सरकार में मतलब हम लोग सब देख रहे हैं। अगर मैं अपने को सरकार के से बाहर रखे एक कॉमन नागरिक की तरफ से बात करूं तो पहले जनरली यही लोगों का इंप्रेशन होता था ना कि अभी तो घोषणा हुई है फिर उसकी कमेटी बनेगी फिर उस पर विचार होगा फिर उस पर वो होगा, तो ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट रहता है सरकार में, ऐसे हम लोगों की थिंकिंग थी। लेकिन अब जो स्पीड जिस तरीके की हो रही है उसको अच्छी अच्छी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी मैच नहीं कर पा रही उस स्पीड को। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ मॉडल इन्होंने बताए, अब जैसे इन्होंने SBI Pay बताया कि SBI Pay भी लास्ट वीक आया है, बिल्कुल नया आया है। और कई चीज़ें आपने आज पेपर में पढ़ा होगा और कई नए प्रोडक्ट्स सामने आ रहे हैं, इतनी चीज़ें नई चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको कि हम
हम बात कर रहे थे कि हम पैम्फलेट बना रहे बना के बंटवाते क्या कर सकते हैं। जब तक साहब हम पैम्फलेट बढ़ के बंटवाएंगे ना तब तो उससे और बेहतर चीज़ें आ जाएंगी मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज़ के लिए वेट करें कि जब सारी चीज़ आ जाएंगी फाइनल चीज़ आ जाएगी तो बेस्ट होगा। सर आज जो एक हमने हमारे सामने ऑप्शन है, अभी इन्होंने बताया मुझे किसी से पता था पर मैंने ट्राई नहीं किया था, अभी आपके सामने बैठे मैंने ट्राई किया तो आई कुड नॉट बिलीव कि इतना जो है वो ये हो गया इमीडिएटली जो है ये हो गया। जब जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम लोग कई बार बिलीव नहीं करते, कई बार सोचते हैं इसमें ये दिक्कतें हैं। कंप्यूटर जब आए थे तो कितना विरोध हुआ था, बैंक वालों ने कितना विरोध किया था कंप्यूटर का कि नौकरियाँ चली जाएंगी चला जाएंगी। अब कंप्यूटर में मेरे ख्याल से हर एक हमारी फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होगा जो IT की जॉब कर रहा होगा, सभी मिडिल क्लास फैमिली में कोई ना कोई है जो कि IT सेक्टर में कोई कॉल सेंटर से रिलेटेड या कोई जो है, सब लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इतनी जॉब जनरेट हुई है। इससे कैशलेस से भी बहुत से जॉब जनरेट होगी। अभी हमें लग रहा है कि इकनॉमी से स्लो हो जाएगी, ये हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी, और हम लोग सोचते हैं गरीब लोग कैसे करेंगे, सब लोग मोबाइल कर लेते, मोबाइल जो है सब लोग, अब जो पहले आया था कि ये अमीर का खिलौना है मोबाइल फ़ोन, ये समझा गया था कि अमीर लोगों का खिलौना है, आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको जो है हम सब देख रहे हैं कि जो गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो कहीं बिहार से UP से कहीं से यहाँ दिल्ली में आके काम कर रहा है उसका परिवार वहाँ पर है, कितनी उसको तसल्ली है कि बात हो जाती है कि भाई वहाँ पर जो है चलो मेरा ठीक है, लोग जो है उनको भी तसल्ली है कि यहाँ पर ये चलो ठीक है, शाम को बात हो गई एक बार तो पता है ठीक है। हम लोगों के बच्चे, मेरी बेटी आजकल चेन्नई में है, ये तो आदमी चिंता करता है बच्चा जो है वहाँ पर है, अब ये बेटा मैसेज ही भेज दो कम से कम, एक तो ये हो जाता है कि देखो कितनी इस पर जो है तसल्ली हो जाती है इन चीज़ों में तो नहीं। अच्छा जिन लोगों के पास ऑफिस नहीं था, बिजली वाले हैं, प्लम्बर हैं, कुछ है, किसी दुकान से अपने आप को एसोसिएटेड करके रखते थे कि दुकान में लोग जाके ऑर्डर देंगे तो ये जाके वहाँ काम करेगा 20% 30% जो भी है दुकानदार, नेचुरली वो भी उसका भी खर्चा है, ऑफिस खोल के बैठा है, टेलीफोन खोल के बैठा है, कड़का लगा रखा है उसने, अब जरूरत ही नहीं, मोबाइल नंबर है उसका, आप उसको कॉल कर लो नंबर को, एक बार मिल जाता है तो उसको हम नंबर सेव कर लेते हैं, या AWS वगैरह के पास आप लोगों के पास सबके नंबर होते हैं उसको बुला लो, उसका मोबाइल ऑफिस है, साइकिल पर भी अगर वो जा रहा है तो मोबाइल पर सुन के पहुँच जाता है। इसी कड़ी में ये कैशलेस के जो है एक हमने बात की कि हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं, अभी पीछे मेरे फादर का वो दांत का उठा तो दांत के बाद डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर के पास हमने देखा पेटी बार उसने वो डिस्प्ले नहीं कर रखा था, अरे कर तो रखा था पर पुरानी व्यवस्था को करना चाहते हैं, कैश पे करना चाहते हैं, चेक वो नहीं करना चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते, अभी चाहते हैं कि भाई कैश में हो जाए, तो बोल रहे थे बड़ी प्रॉब्लम है, चेक कस्टमर दे के जा रहे हैं, पेशेंट चेक दे के जा रहे हैं, अब चेक जो है बाउंस हो जा रहे हैं बहुत सारे, अब पेशेंट को क्या कहें, चेक बाउंस हो जाते हैं परेशानी तो है, फिर उनको कॉन्टैक्ट करो ठीक करो, सिग्नेचर गलत होते हैं हो जाते हैं जैसे बताया अकाउंट में, ये जो कैश टैक्स पे आपको दिक्कत ही नहीं है, आपका पैसा हाथ की हाथ जाए ड्राफ्ट की तरह है, तो ड्राफ्ट में भी आपको जमा कराना पड़ेगा तो जो है इसमें ना जमा कराना कुछ पैसा आपके तुरंत जो है वॉलेट से अकाउंट से जैसे भी कहें तुरंत आपके अकाउंट में आ गया तो आपका कन्फर्मेशन आ गया, आपको डिफॉल्ट का चक्कर ही नहीं है किस तरीके का कि डिफॉल्ट हो गया, तो मतलब नई संभावना है, नए चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कि मतलब ये देखो यही अब प्रॉब्लम बता रही है, चेक खुद ही हम लोगों ने बताया कि चेक में क्या प्रॉब्लम है कि चेक जो है बाउंस हो जाते हैं, सिग्नेचर नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, अच्छा ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है इसकी, चेक की आप लेंगे जमा कराएंगे बैंक वाले उसको पड़ेगा सिग्नेचर मिलाएगा, कितना ह्यूमन इसमें जो है वो कॉस्ट है इन्वॉल्व है, ये सारी कॉस्ट अल्टीमेटली क्या करती है हमारी जो बैंक पे सेविंग का रेट है उसको कम करती है, क्योंकि बैंक का खर्चा है इन सब चीज़ों में। ये कैशलेस अगर होगा सर्वर टू सर्वर चल रहा है आपका पैसा इमीडिएटली आ गया, बैंक का एक पैसा नहीं मिला खर्चा नहीं हुआ तो क्या होगा, अल्टीमेटली सेविंग्स की रेट बढ़ सकती है, लोन की रेट कम हो सकती है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो रही है। पहले हम कहते थे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है कैशलेस में, हम लोग पहले यूज़ करते थे डेबिट का यूज़ करते थे क्रेडिट का यूज़ करते थे, ऑनलाइन पेमेंट करते थे, रेलवे की साइट पर जाया करते थे, वो कहता था अगर आप इसका वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपका 1% इतने पैसे कटेंगे। अब जो नए आ रहे हैं रुपए कार्ड आ रहे हैं या जो उन्होंने मेथड दिखाया SBI ने *99# का दिखाया या SBI पे बताया ट्रांजेक्शन चार्जेस के हैं 0 और उल्टा आपको कंसेशन मिल रहा है, रेलवे टिकट में कंसेशन है, पेट्रोल पंप में कंसेशन है। तो हम लोग सब इंडिया में स्मार्ट लोग हैं, अगर हमें दिख रहा है इसमें हमारा 1% बच रहा है हम लोग सब सीख लेंगे, हम लोग सब इसको यूज़ करना सीख लेंगे। पेट्रोल पंप पर अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं पेट्रोल डलवाऊँगा 1000 रुपये का तो मुझे 1 रुपया कम 10 रुपये कम लगेंगे,
तो मैं जो है क्यों नहीं सीखूंगा, आज नहीं सीखूंगा कल सीख जाऊंगा। 7.5 रुपए कम जी, 7.5 रुपए कम लगेंगे, 7.5 रुपए कम लगेंगे। और कई चीज़ों में ज़्यादा भी है, पेट्रोल पंप वगैरह रेलवे रेट में ज़्यादा, रिजर्वेशन में ज़्यादा है, कंसेशन जो है रेलवे में तो सर वो दे रहे हैं इंश्योरेंस 10 लाख का भी दे रहे हैं। और नहीं और किस चीज़ में 10% डिस्काउंट भी है, किसी पाएंगे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। टेक्नोलॉजी जो आती है बहुत बेनिफिट लेके आती है, नुकसान तो सबको रहेगा जो अगर नुकसान की बात करें, लेकिन अगर नुकसान रहेगा तो फायदा भी तो उठाएं, फायदा भी सब सब उठाएंगे जब कि उसमें अडॉप्ट करेंगे। अब सब उठा रहे हैं ना फायदा, कंप्यूटर का फायदा सब लोग उठा रहे हैं, मोबाइल फोन का उठा सब लोग उठा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत आसान है और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आएगी तो और आसान होती चली जाएगी। लेकिन अकाउंट नंबर अकाउंट जरूर हुआ है, हम यहाँ पर फॉर्म लेके आए हैं, कुछ हम दे सकते हैं, बाकी फोटोकॉपी हो सकती है, बाकी ये फॉर्म ऐसे कोई नहीं है, आप ब्रांच में अगर जाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा, ये तो खर्च दिखाने के लिए है। तो आप अगर आपका अकाउंट है ब्रांच में जाएं, जिस ब्रांच में अकाउंट है वहाँ पर फॉर्म भर के अपना बताएं, साहब मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर सीव कर दिया जाए। अच्छा, आजकल लोगों ने रिलायंस जियो के चक्कर में मोबाइल नंबर चेंज ही बहुत हुए लोग, तो आप अगर बदल गया है तो अपडेट कराएं अकाउंट, क्योंकि आपके जो मोबाइल आपके पास है वही आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप अकाउंट नंबर अपडेट करें, घर अगर एड्रेस बदल गया है एड्रेस अपना चेंज करें, आधार नंबर अगर नहीं है तो लिंक करें आधार नंबर अपडेशन, पैन नंबर नहीं है तो वो कराएं, पर पैन नंबर दे दो आप जो भी है वो तो केवाईसी नॉर्म के रिक्वायरमेंट है। फ़ोन नंबर जरूर आप प्लीज़ अपने अकाउंट में सब लिंक कराएं, जो आपके सर्वेंट्स हैं जो आपके वर्कर्स हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है तो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, आप मार्केट में हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, अपने और उनसे बात हुई थी ममता बंसल, पायल गुप्ता, मणि दे देखो, मणि दे देखो, अंजू जी, कंचन मलिक, सीमा, कृष्ण मोहन, आज आपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मीटिंग बुलाई, क्या उद्देश्य? सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से और RWS के माध्यम से जनता तक पहुंचना रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट का कैशलेस इकोनॉमी की तरफ प्रोत्साहन देने की योजना है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना है, वो जो मैसेज है उसमें क्या क्या लोगों को फ़ायदे हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए, वो मैसेज जनता तक पहुँचाने के लिए, वो प्लान करने के लिए बुलाया था। काम है बैंक में पिछले 2 सालों में करोड़ों अकाउंट बैंक में खोले गए हैं, अभी भी जब से ये 9 नवंबर के बाद से लगातार हमने कैंप लगाए हैं एरिया में, जिससे लोगों से फॉर्म वगैरह रिसीव किए हैं, और खाली जो है उसके लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, उसके अलावा अगर आपके वोटर कार्ड है तब भी आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपके पास जो है पैन कार्ड है तब भी आपका अकाउंट खुल जाता है। तो अकाउंट खोलने के लिए कोई ज़्यादा ये नहीं चाहिए, कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तब भी बैंक्स को उसमें हिदायत है कि एक अंडरटेकिंग लेके हम 3 महीने में या 6 महीने में, 3 महीने का इसमें टाइम है पर वो आगे एक्सटेंड भी कर देते हैं, वो लेके तब भी बैंक अकाउंट खोल देते हैं। उन खातों में कुछ लिमिटेशन रहती हैं कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं जमा करा सकते लाइक दैट, लेकिन अकाउंट खोलने के लिए बहुत सहूलतें की गई हैं। यही सब मैसेज जो है पब्लिक को पहुंचाने हैं, जो हम आप पूछ रहे थे मीटिंग क्यों की है, आइडिया इज दिस टू रीच आउट टू द पीपल, जो उनकी डिफिकल्टीज है उनको बताया जाए, और उसके बावजूद भी किसी पर्टिकुलर बैंक में कोई पर्टिकुलर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उनको इंटरव्यून करके हम सॉल्व भी कर रहे हैं। आधार कार्ड नहीं है और वहाँ भीड़ इतनी होती है बैंक के बाहर, उनका अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, उसके कोई आपके माध्यम से सिस्टम अगर बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसीलिए हमने बैंक्स को 2 बातें भी कही हैं, एक तो जो अपना काउंटर है वो एक कैंप लगाएं बैंक के बाहर ही ये कैंप लगाएं, उसमें बैनर लगाएं जिसमें ये लिखा हो कि ये सहायता शिविर है,
जिसमें लोग जिनको अपना कोई पिन नंबर प्राप्त करना है, किसी ने मोबाइल नंबर अपडेट करना है, किसी ने आधार नंबर सीड कराना है, किसी ने नया अकाउंट खुलाना है, तो ये लोगों को अंदर बैंक में क्या हो रहा है तो पता नहीं चलता। अगर बैंक के बाहर एक बैनर लगा है, एक कनोपी लगा के बैंक वाले बैठे हुए हैं, तो आते जाते भी लोगों को दिखाई देता है कि अच्छा यहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है, तो एक लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इसको, यहाँ पर स्पेशल राइड चली हुई है तो लोग इसको कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी किया जा रहा है, कुछ बैंकों ने शुरू किया है इसको, तो इसको भी हम सिविल डिफेंस मॉनिटर जो वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू मॉनिटर कराएंगे कि बैंकों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बैंक वालों को भी इंकरेज करना है। तो ये खुलेगा तो लोगों को उसमें जो है सहायता मिलेगी अकाउंट खोलने में और बाकी डिजिटल ट्रांजेक्शन थोड़ा बढ़ने में। किसी को डाउनलोड करने को दिक्कत आ रही है, किसी ने वॉलेट यूज़ किया है लेकिन कोई ग्रीवेंस है, तो वो भी वहाँ पर बैंक ब्रांच में जाके अपना बता सकते हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने कहा कि जो सेविंग अकाउंट हैं उसमें काम नहीं हो पाता, करंट अकाउंट हर व्यक्ति का होना चाहिए, क्या वो वाजिब है क्या हर इंसान का करंट अकाउंट हो सकता है? ये करंट अकाउंट हर इंसान को जरूरत नहीं है, करंट अकाउंट की जरूरत केवल मर्चेंट को है, ग्राहक को जरूरत नहीं है उसको, व्यापारी को करंट अकाउंट की जरूरत है। वो अगर मान लीजिए पॉस मशीन लगानी है तो उसके लिए करंट अकाउंट की जरूरत है, और वैसे भी अगर आपने अभी जो सरकार ने कुछ सुविधाएं भी दी हैं कि आपका टैक्स कम लगेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन से अगर आप वो व्यापार करेंगे, उसके लिए भी अकाउंट की जरूरत है। तो करंट अकाउंट खोलना तो उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उनके हित में है, तो वो खाली व्यापारी को चाहिए, ग्राहक को नहीं चाहिए। अकाउंट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन खड़ा आपके सामने जी, जनधन अकाउंट में क्या होना चाहिए? जनधन अकाउंट में रुपए कार्ड है, रुपए कार्ड आप ले सकते हैं जनधन अकाउंट के साथ में, उसके थ्रू ये बिल्कुल एटीएम कार्ड है और कोर बैंकिंग के साथ अटैच्ड है, अब सब बैंक खोल के हुए हैं। तो अगर आपके पास जनधन अकाउंट है, रुपए कार्ड है, आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए आपने बिहार में जनधन अकाउंट अपना खुलवाया और रुपए कार्ड आपने वहाँ प्राप्त किया हुआ है, तो दिल्ली में रह के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस यहाँ की जो आपकी कोई सेविंग है आपकी फैमिली वहाँ से विड्रॉ कर सकती है, तो ये सारी सुविधाएं हैं जनधन अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस चार्ज पे टैक्स वगैरह तो कोई हमारे से रिलेटेड इशू नहीं है, किसी जी नहीं, वो शायद वही कह रहे थे कि जो इसको यूज़ करते हैं लोग, अगर आप अपना कोई डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट पे जाके आप परचेज करते हैं, तो जो ये मास्टर कार्ड वीसा कार्ड वाले जो हैं उसमें 1% ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह काटते हैं, वो शायद उसकी बात कर रहे थे, लेकिन रुपये कार्ड में ऐसा नहीं है। तो रुपये कार्ड अगर ये भारत सरकार का है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, वो सरकारी कार्ड है, सरकारी उसमें वो है पेमेंट गेटवे भी गवर्नमेंट की है, तो उसमें चार्जेज नहीं है। हमने तो जब ये बैंक्स में क्यूज वगैरह लगी थी तो फैसिलिटेट लोगों को किया था, ये तो चीजें अब सामने आ रही है कि कुछ बैंक वालों ने इसमें जो है बदमाशी की और लोगों को बैकडोर से दूसरा पेमेंट दिया, उसमें सिस्टम जो अपना काम कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उसमें सजा मिलेगी ऐसे लोगों को, तो ये ब्लैक शिप सिस्टम में है और ये कई लोग लालच में पड़ गए इसके अंदर, तो उसमें उनको जो है भुगतना पड़ेगा। आप जो कहते हो करते हैं क्या बात? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, बट जो हम कहते हैं उसको जरूर करने का प्रयास हम सबको करना चाहिए, जितना हमें सक्सेस मिलेगा और हम अच्छा प्रयास जो है अगर ईमानदारी से करेंगे तो सक्सेस की जो है वो ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। तो वही हमारा काम है, तो वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी, इसमें कोई खास बात नहीं है मेरे साथ। ड्यूटी कम है, एक आम आदमी आपसे बात करे विदिन टाइम और एक आदमी 2-3 घंटे बाहर खड़ा है कि मुझे डीएम से बात करनी है, क्या ये बड़ी बात नहीं है सर? नहीं, चलिए अच्छी बात है, इस बारे में क्या कहूँगा। थैंक यू। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फ़ोन नंबर है 2211-0638-2212-0637-9810721848-9818-701522। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके पास @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 बटैक श्री रामनगर, शारदा, दिल्ली 32।